हरे कृष्णा, मैं अंजना गोपी आपका सिंपली एंड ब्लिसफुल ब्लॉग्स में स्वागत करते हैं। तो चलिए आज हम ठाकुर जी के किचन में बनाने जा रहे हैं खिचड़ी। चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने इसे देसी घी में बनाया है, आप चाहें तो कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट तो घी ही रहता है खिचड़ी के लिए। अभी मैंने इसमें डाल दिया तेज़पत्ता। तेज़पत्ता के बाद मैंने इसमें डाला है शाही जीरा और इसके जस्ट बाद हमें डालना है हींग। और मेरे से तो हींग बहुत ज़्यादा ही डल गई थी, तो आप थोड़ी कम डालिएगा। और इसी के साथ अभी हम इसमें ऐड करेंगे, मैंने कुछ सब्जियां कट करके रखी हैं, आलू, टमाटर, सीताफल, हरा धनिया और हरी मिर्च। तो सबसे पहले अभी हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च और जब ये थोड़ा सा कुक हो जाएंगे उसके बाद हम बाकी सारी सब्जियां इसमें ऐड कर देंगे। और जब हरी मिर्चें थोड़ी सी पक जाएं तो उसके बाद हम ऐड करेंगे टमाटर, आलू और सीताफल भी। और आप चाहें तो और सब्जियां भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अभी हम इसे करछी की हेल्प से अच्छी तरह से चला लेंगे, अच्छी तरह से आपस में मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे दाल, राइस। मैंने इसमें मूँग और थोड़ा सा अरहर और चावल ऐड किए हैं, तो आप चाहें तो हरी मूँग की दाल भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो बस अभी हम इसे अच्छे से दोबारा से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे पानी। और पानी ऐड करने के बाद हम इसमें जो एक बेसिक मसाले जो होते हैं हल्दी, नमक, ये सब ऐड कर देंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसमें डाल रहे हैं नमक भगवान के स्वाद अनुसार। और इसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें थोड़ी सी हल्दी। और इस्कॉन में जो खिचड़ी मिलती है, आपने अगर खाई होगी तो वहाँ पे पालक भी डली होती है, तो वो खिचड़ी तो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होती है। तो हाँ, घर पे भी अच्छी खिचड़ी बन जाती है, तो मैं जिस प्रकार से बनाती हूँ मैंने आपके साथ आज शेयर कर दिया है। और आप इस खिचड़ी में जो फूल गोभी होती है और इवन जो मटर होते हैं वो भी डाल सकते हैं। तो आइए अभी हम इसे अच्छे से चला लेते हैं और इसके बाद अभी इसे हम 2 सीटी आने तक प्रेशर कुक करेंगे। और उसके बाद मैं कम से कम 15-20 मिनट के लिए इसे कम पर छोड़ देती हूँ ताकि ये अच्छे से पक जाए। तो चलिए अभी हम इसको प्रेशर कुक होने देते हैं और मिलते हैं खिचड़ी बनने के बाद। तो आप सभी देख सकते हैं कि खिचड़ी एकदम तैयार है। अभी हम इसे फिर से एक बारी मिक्स कर लेंगे ताकि जो नीचे से चिपक जाती है हल्की सी, हम उसे एकदम अच्छे से उतार लेंगे। और अभी हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। ठाकुर जी के लिए मैंने हरी जो धनिए की चटनी बनाई है, साथ में अचार भी है और इसके साथ में खिचड़ी भी है, चाहे तो आप पापड़ भी रख सकते हैं। तो चलिए अभी हम तुलसी पत्र रख लेते हैं और उसके बाद हम अभी भगवान को भोग लगा लेंगे। तो अभी जो ये वीडियो क्लिप है ऑफरिंग के बाद का, तो आई होप आपको ये खिचड़ी अच्छी लगी होगी, बहुत ही सिंपल रेसिपी है। तो चलिए अभी हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अभी हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय।